सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं मस्त उठ के नहा धो के रेडी होके जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, मेरा फ्रेंड आदि, उसके पास, बिकॉज हमको जाना है भाई 40 गांव शादी अटेंड करने के लिए। तो मतलब एक्चुअली मेरा दोस्त आदि है, उसके मामा जी की शादी है, तो हम सब मस्त जा रहे हैं भाई। एक्चुअली हमको कल ही जाना था हल्दी के प्रोग्राम में, लेकिन आदि की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने एक दिन पोस्टपोन कर दी थी वो प्लान। आज शादी है तो आज हम मस्त सब जा रहे हैं, मैं, आदि, उसके फादर और हमारा एक और फ्रेंड आ रहा है जो कि हमको सीधा स्टेशन पे मिलने वाला है। तो हम ट्रेन से जा रहे हैं भाई। पहले प्लान था कि कार से या फिर बाइक से जाएंगे, राइड करने का प्लान तो था, लेकिन वो थोड़ा सा सीन चेंज हो गया भाई इसके तबीयत ख़राब होने की वजह से। मैंने कहा ठीक है, चलो अभी चल जाएगा भाई। सुबह सुबह भाई अभी देख रहा हूँ, मतलब धूप ठीक से रोशनी भी नहीं निकली और हम निकल गए घर से। सो भाई लोग, फाइनली हम, मतलब मैं मेरे फ्रेंड के घर पे पहुंच गया हूँ भाई। मैं तो मस्त रेडी हूँ, यहाँ पे भी सब रेडी है। ये मतलब ये शर्ट हम वहाँ पे जाके डालने वाले हैं, अभी ऐसे ही ये पहन लिया हमने। और भाई ये अभी तक रेडी नहीं हुआ, ये अभी भी बाल ही बना रहा है, क्या ही। सुबह सुबह 5 बजे उठाया है भाई इन्होंने। वाह, अब मस्त लग रहा है भाई, थोड़ा सा रोशनी अभी तो मस्त हो रहा है आज का मौसम भी। सो मैं और अंकल जी तो रेडी हो गए, लेकिन भाई ये इंसान अभी भी टाइम पास ही कर रहा है, पता नहीं क्या ही भीड़ लग रही इसको इतनी। चल आदि। सो भाई लोग, फाइनली रेडी होके निकल रहा है, स्कूटी वूटी निकाल ली, ले पकड़ कैमरा तो हैंडल करने का काम कर। सो भाई लोग, फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। अब टिकट मतलब चेक करते हैं टिकट किधर। अरे यार, ये किधर जा रहा है भाई, लाइंस तो काफ़ी लंबी, बाहर से ही निकालना पड़ेगा टिकट, बाहर से ही निकालना पड़ेगा हमको। सो भाई लोग, हमने फाइनली टिकट विकेट निकाल लिए, हम मतलब आप प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, हमको जाना है आगे वाली साइड, हमारी ट्रेन ही आ रही है भाई, तो फटाफट चलते हैं। सो भाई लोग, फाइनली वी आर एट द स्टेशन ऑफ 40 गांव, तो पहुंच गए भाई। ज़्यादा कुछ अंदर के सीन बहुत हार्ड थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने अंदर का कुछ सीन शूट करानी। एनीवेज पहुंच गए भाई, अब फटाफट से यहाँ से, पता नहीं जाना कहाँ है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, मतलब प्लेटफॉर्म यहाँ तक आया हूँ, मैं स्टेशन तक अंदर नहीं गया हूँ मैं, गाँव में अब तक। तो चलो अभी मस्त चला दी और उनके साथ। तो भाई लोग, अभी हम लोग आए थे और मतलब एक चीज़ चेक करवाने के लिए स्पेशली आया था मैं यहाँ पे। ये चेक करो भाई, ट्रूली क्या मस्त मूर्ति है भाई, क्या ही स्टैचू है, मतलब महाराज शिवाजी महाराज जी का, कसम से बोल रहा हूँ, अब तक जितनी भी देखी मैंने उनमें से सबसे बेस्ट है ये। और एक मतलब संभाजी नगर वाली जो है ना, वो फ्लाईओवर्स के बीच की, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। और एक ये इतनी मस्त है ना भाई पीछे, और मतलब एक पॉड बना रखा है उन्होंने डेमो, लेकिन वो भी कितना मस्त है, वो देख लो भाई, मस्त है यार। हम लोग पहुंच गए भाई जहाँ पे शादी। अरे हाँ, चल चल आगे, चलो चलो भाई, अभी से मजे लेने स्टार्ट। वैसे प्लेस मस्त है, प्लेस मस्त है भाई, मस्त है। अरे सच्ची एंट्री भी भाई साहब, कसम से बहुत मस्त होने वाली है भाई, कसम क्या ही होटल है। बस ये टाइल्स ज़्यादा स्लीपरी है, फिर मेरे शूज़ की ग्रिप खराब होगी। इधर क्या है भाई, वाटरफॉल चल रहा है अबे, पानी इधर। अच्छा होटल भाई मस्त है। सो भाई लोग, चलो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई होटल के अंदर, हमको रूम नंबर 206 मिला है, तो चलते हैं भाई, मस्त देखते हैं एंट्री भाई। रिसेप्शन भी मस्त है भाई, कसम से बहुत अच्छा होटल है। चल अरे चल ऊपर चलना है, अरे लिफ्ट आ भाई जल्दी। अच्छा एक पे ही है, आ जा आ जा आ जा आ जा। 206 सेकंड फ्लोर पे होगी, रूम नंबर 206, हाँ सेकंड पे ही होगा शायद से बेस। अच्छा ओ भाई, भाई कसम क्या ही सीन है होटल्स के, कसम से बोल रहा हूँ, आज एक नंबर, सच्ची में एक नंबर होटल है अपना, 206 वो देखो, आधे वो गए भाई, रूफ वूफ देख लो, चेक कर लो, क्या ही मस्त डिज़ाइंस, फोटोज, पेंटिंग्स, क्या मस्त है।
सो भाई लोग, ये है मेरा वेडिंग का लुक। अच्छा है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ठीक है भाई शादी के लिए। और कसम से मतलब ये तो देखो भाई कैसे पड़ा हुआ है, मतलब रेडी हो गए सब के सब जाने के लिए। ठीक है ना भाई, जा सकता हूँ, पता नहीं। वैसे भी ऐसे शॉर्ट व्लॉग्स में ना मस्त काम हो रहा है मेरा। तो भाई लोग चलो, तो वेडिंग ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं भाई वापस। आदि और वो सब बाद में आएंगे, मेरे फ्रेंड और वो। मैं अभी निकल रहा हूँ बिकॉज मुझे घर पे जाना है भाई, थोड़े से सीन चल रहे हैं अलग ही। तो चलो अभी यहाँ से फिर से स्टेशन चलते हैं और सीधा चल गया। तो भाई लोग फाइनली भी जड़गांव पहुंच गया भाई हम लोग। फटाफट से भाई घर पे चलते, बहुत थक गए ट्रूली, बहुत हालत ख़राब हुई ट्रेन में।